नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे अ फोर्स ऑफ, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका न्यू। अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ 3 कूलम मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है दो पॉइंट्स के बीच का, जिनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं से निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स डिवाइडेड बाय जितने चार्ज पे वो फोर्स लग रहा है। फोर्स है आपका 3000 न्यूटन और चार्ज है 3 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1000। और क्योंकि दोनों ऐसा यूनिट्स में था तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया मैग्नीट्यूड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जिनके बीच का डिस्टेंस इतना है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वर्क डन के इक्वेट कर दो, है ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स उसका मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वो करिएगा, है ना। ठीक है, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आप क्या करना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, सिंपली वो करो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है ही 3000, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। तो आप देख लियो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा 30 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, आंसर तो मैच नहीं कर रहा, 1 सेंटीमीटर है ना, 3000 3 कूलम से पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी 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 सॉरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, मैं वो गलती कर रहा था। और फोर्स बाय चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये 3000 नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही आने वाला है। ठीक है, फोर्स बाय चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू को जरूरत पड़ेगा 1000 है वो, है ना, तो इसका वैल्यू आपको लिखना है 1000, 1000 बाय 100 हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका 10 वोल्ट आएगा, है ना, जो कि ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन देखे तो मुझे समझ में आया कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया अपना, इसको डिलीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरेटिकल है। इफ यू मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड ऑफ लाइन तो क्या होने वाला है, तो इसको बताने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इफ यू मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, अनचेंज होगा, नथिंग कैन बी सेड एंड सो ऑन। तो हमेशा आपको याद रखना है, फैक्ट है ये, आपको रिमेम्बर करने वाली चीज है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करोगे आप, कि डायरेक्शन ऑफ ई के अलोंग मूव करोगे, तो मूव अलोंग डायरेक्शन ऑफ ई, तो पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी ये इंक्रीज होगा, सॉरी 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 सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा अगर चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, जिस चार्ज को मूव किया जा रहा है ना, और अगर मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करोगे, ठीक है, तब पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर मूव करोगे मतलब जिस चार्ज को मूव कर रहे हो वो पॉजिटिव है, तो ठीक है, समझ में आई बात, तो याद रखना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि चार्ज जिसको मूव किया जा रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस क्वेश्चन में आप पढ़ो, इफ यू मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात बोला था, ठीक है, सॉरी मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग बता सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा ज्यादा बता दिया, इसका जरूरत ही नहीं था, तो ये सब इग्नोर करना। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये पार्ट का जरूरत ही नहीं था, ये मैं पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन मिसरीड कर लिया, आपको मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलने लगा। ठीक है,
आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, मतलब वी के बारे में पूछा है ना, सॉरी हाँ, तो वी पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा, हाँ वी, ठीक है। अब वी वी के लिए सिंपल चीज याद रखना है कि वी डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वी डिक्रीजेस, ये सही बोल रहा हूं क्या मैं, चेक कर लेते हैं। सपोज आपको याद नहीं है तो यहां पे एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के कारण एट ए डिस्टेंस आर, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर अवे, है ना, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल का वैल्यू लिखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल का वैल्यू लिखो तो क्या आता है, के क्यू बाय आर। तो ऑफकोर्स अगर आप देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से वी डिक्रीज होगा अगर आर इंक्रीज हो, ठीक है, और इंक्रीजिंग आर एक्चुअली में कौन सा डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग आर, जैसे आर आप बढ़ाओगे तो ये बड़ा आर हो गया, है ना, लेकिन ये इंक्रीजिंग आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था और आर इंक्रीज होके भी वैसा ही हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब, और आर इंक्रीज किस तरफ हो रहा है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही हो रहा है, ठीक है, यानी मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा अगर आप मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करोगे तो, है ना, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो पोटेंशियल डिक्रीज, ये फैक्ट वाला चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इफ यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस क्वेश्चन में अलोंग द डायरेक्शन नहीं बोला गया था, इस क्वेश्चन में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा। देख लो एक क्वेश्चन, एक जैसे यहाँ पे फिर से एक प्लस क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करो, तो अगर आप अपोजिट मूव करोगे तो आप इसके पास आ जाओगे और पास आ जाओगे और पास हो जाओगे, और जितना पास आओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो के क्यू बाय आर होता है, जितना पास हो गया आर उतना डिक्रीज होगा और आर जितना डिक्रीज होगा वी उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 27, इससे पहले जो मैं बोल रहा था पोटेंशियल एनर्जी के बता रहा था, ठीक है, तो उसको माइंड मत करना, वो मैं गलत रीड किया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, अब थोड़ा ब्रेक लेना होगा मुझे क्योंकि अब मैं गलतियां कर रहा हूँ वैसे टाइप की, ठीक है, थक गया हूँ, तो और एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इफ यू मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी। तो हमेशा याद रखना पोटेंशियल जो होता है दैट इज ई इंटू डी, बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 10 वोल्ट का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया है, डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर, तो यहाँ से E का वैल्यू आपका पास आएगा 10/0.02, ठीक है, तो ये 10/2 500 पूछा रहा है, तो 500 न्यूटन पर कूलम, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना। तो मूविंग ऑन, ये तो सिंपली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर, सॉरी ये, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, विद इन इट विल बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया सेंटर और सरफेस पे, है ना। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर होता है, तो पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल एट सेंटर होता है 3KQ/2R, याद रखना है, ठीक है, पोटेंशियल एट सेंटर, और पोटेंशियल एट सरफेस होता है KQ/R, ठीक है, तो इनका डिफरेंस, ठीक है ना, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का
तो वी सी माइनस वी एस, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, तो 3/2 - 1 मतलब 1/2 हो जाएगा, तो के क्यू बाय टू आर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये 1.5 है और ये 1 है, 1.5 - 1 मतलब 1 है ना, के क्यू बाय टू आर। लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं, आंसर तो डेंसिटी के फॉर्म में है ना, तो इसको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये कौन सा डेंसिटी है? चार्ज डेंसिटी है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³ है ना, तो यहां से q का वैल्यू आपको मिल गया 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। इस q को यहां पुट कर दो क्योंकि आपको आंसर q के फॉर्म में नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस q का वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 4/3 π, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर रहे हम लोग है ना। अभी आप देखोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि k आपका दिया हुआ है लेकिन आंसर में आपको एप्सिलॉन नॉट चाहिए है ना, तो k को भी हटा देते हैं हम लोग और k के बदले 1/4 πε₀ लिखते हैं। ठीक है, ये 4/3 था है ना। तो बस आई होप ये कैलकुलेशन, अब यहीं पे कैलकुलेशन करना है बस। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ये 4π और ये 4π तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपके पास क्या है, ये 2 और 3 मिलके आपको 6 दे देंगे नीचे में, 6r ε₀ नीचे में और ऊपर में ρ into r³। ठीक है, तो r क्यूब को हटा के स्क्वायर कर देगा, तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं हुआ है तो ρ into r² / 6ε₀। ठीक है, ये होना चाहिए ρ r² 6ε₀ ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये भी सिंपली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। आपको याद रखना होगा कि सेंटर पे कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, अगर वो फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, तो इसको थोड़ा नीचे कर लो। न्यू, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में, इन द फिगर शोन टू पॉइंट चार्जेस +5 μC एंड -2 μC आर प्लेस्ड एट टू कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना स्क्वायर है, भले दिख नहीं रहा आपको लेकिन ये स्क्वायर है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अदर टू कॉर्नर्स ड्यू टू दीज चार्जेस विल बी। ठीक है, तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी निकालना है। ठीक है, तो अब बी सी लिखो या सी भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो है ना, किसी को पहले रख दो फर्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए मान लो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालते हैं पहले। ठीक है, अब पॉइंट बी पे याद रखना पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालने के लिए जितने भी आसपास वाले चार्जेस हैं उन सबके कारण निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्जेस है, एक तो 5 है और एक -2 है, तो उन दोनों के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालो। ठीक है, अब 5 जो है 5 μC का जो चार्ज है वो बी पॉइंट से कितनी दूर पे? ए डिस्टेंस दूर है, और जो -2 μC का है वो भी बी पॉइंट से कितनी दूर पे है? वो भी ए डिस्टेंस दूर है। तो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल आने वाला है, ठीक है, तो के क्यू माइक्रो में याद रखना, तो के क्यू बाय डिस्टेंस ही तो होता है, प्लस के पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में हमेशा चार्ज को साइन के साथ लिखना। ठीक है, के क्यू बाय डिस्टेंस, समझ में आई बात। पॉइंट बी पे मैंने ए वाले चार्ज के कारण और सी वाले डी वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। सी पे कोई चार्ज नहीं है, दो आइटम आने वाला है ना। वैसे पॉइंट सी पे अगर देखें तो पॉइंट सी पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पॉइंट सी पे देखो पॉइंट ए में जो चार्ज है वो 5 μC, तो के क्यू बाय आर। ठीक है, और पॉइंट सी पे जो चार्ज है डी पे, डी पे कितना चार्ज है? -2, तो -2 μC के कारण पॉइंट सी पे पोटेंशियल हो जाएगा ये, है ना। सिंपली हम लोग हर बार ये फॉर्मूला यूज कर रहे, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय डिस्टेंस। ठीक है, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, बस वही दोनों फैक्ट को यूज कर रहे। तो वहां पे दो चार्जेस है तो दो पोटेंशियल हर पॉइंट पे, आप दो टर्म्स निकालोगे दोनों को ऐड करोगे तो टोटल पोटेंशियल हर पॉइंट पे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 में से 3 गया, 5 में 2 गया 3, तो 5 में से 2 गया 3 के म्यू बाय ए, ऐसे म्यू मतलब 10^-6 वैसे याद रखना, और 5 में से 2 गया ये भी 3 के म्यू बाय ए है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है,
अब बिना कैलकुलेशन करके भी आप कर सकते थे, सिंपली ऐसा सोचो पॉइंट बी जो है और पॉइंट सी और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब सिर्फ एक चार्ज को देखो, सपोज आप 5 माइक्रोकुलम चार्ज को देख रहे हो, है ना, वो पॉइंट बी पे जितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो पॉइंट सी पे भी उतना ही पोटेंशियल क्रिएट करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट सी से सेम डिस्टेंस दूर है ना। तो इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल पॉइंट बी और पॉइंट सी पे सेम है, तो इस चार्ज के कारण तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। सिमिलरली -2 माइक्रोकुलम वाला चार्ज भी पॉइंट बी पे जितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा पॉइंट सी पे भी उतना ही करेगा, क्योंकि फिर से ये दोनों डिस्टेंस भी सेम है। तो -2 माइक्रोकुलम के कारण भी पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने वाला, तो सिर्फ दो ही चार्जेस थे और दोनों में से किसी के कारण भी पॉइंट बी और पॉइंट सी में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, ठीक है।